Good morning, students. How are you all? I hope you all are fit and fine and safe at your home. So today we will continue our topic time. आज हम क्या करेंगे? आज हम अपना topic continue करेंगे time का. Last day we have done time in hours. Yes. So today we will continue with time in with quarter past, फिर with quarter to, time in half hours means कि आज हम जो continue करेंगे, आज हम करेंगे कि quarter past कैसे होता है time, quarter to का क्या means होता है, half past क्या होता है, तो आज हम वो continue करेंगे. Clear? Suppose our short hand, हमारी जो short hand है किस पर है? टू पे. शॉर्ट हैंड किस पे है? टू पे. और लॉन्ग हैंड है हमारी थ्री पे. इट मींस क्वार्टर पास्ट टू. क्वार्टर पास्ट टू. क्वार्टर पास्ट टू. क्वार्टर मीन्स क्यों? क्वार्टर क्यों है ये क्वार्टर क्यों हुआ? क्यों? क्योंकि जब हमारी मिनट हैंड 12 से स्टार्ट होती है एंड 3 पे, यहाँ 3 पे 5-5 का इंटरवल क्रॉस करके आती है. 5 का इंटरवल क्यों होता है? ये हमारे 5 के टेबल के अकॉर्डिंग होता है. 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15, ऐसे करके 5 के इंटरवल से हमारी लॉन्ग हैंड चलती है, मिनट हैंड चलती है. तो मिनट हैंड ऐसे कंटिन्यू करती जाती है. लेकिन जब मिनट हैंड 12 से लेके 3 का पास करती है, जब हमारा ये वाला पूरा एरिया क्रॉस करती है, इसका मतलब होता है क्वार्टर पास्ट. क्वार्टर पास्ट इसको कहते हैं हम 2:15 या क्वार्टर पास्ट 2. जब भी हमारे, आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी हमारी ये लॉन्ग हैंड, ये लॉन्ग हैंड 12 से लेकर 3 तक का डिस्टेंस कवर करती है, उसको कंटिन्यू आगे करती है, तो ये जो 3 नंबर्स तक होता है ये हमारा होता है क्वार्टर पास्ट. ये ध्यान रखना है आपको कि जब भी कोई भी, चाहे ये 2 हो रहा हो टाइम या 1 o'clock हो रहा हो, टाइम 1 o'clock हो हमारा, या हमारा टाइम हो 10 o'clock, पर जब अगर ये यहाँ पर है हमारी, जो हमारी लॉन्ग हैंड है वो 3 पर है, तो इट मीन्स ये क्वार्टर पास्ट है. जब भी हमारी 12 से लेके 3 तक का एरिया क्रॉस करती है हमारी लॉन्ग हैंड, उसको क्या कहते हैं? क्वार्टर पास्ट. अगर इसके बाद क्या होता है, जब 3 के बाद जब अब ये आगे बढ़ती है, जैसे 6 पर आती है, अगर अब 6 पर आती है हमारी लॉन्ग हैंड, तो क्या होता है कि इसने 12 से लेके हमारा यहां तक का 6 का एरिया कवर किया. 6 का एरिया मींस 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15, 5 4 20, 5 5 25 and 5 6 30, यानी कि 30 मिनट्स का एरिया. आपने देखा 30 मिनट्स का एरिया अगर ये कवर करती है, 30 मिनट्स का, तो किसको क्या कहते हैं? हाफ पास्ट. इसको हम क्या बोलेंगे कि हमारे, अब ये मान लीजिए 1 o'clock, ये 1 पर है शॉर्ट हैंड और लॉन्ग हैंड है हमारी 6 पे, तो हम इसको क्या बोलेंगे? हाफ पास्ट 1 मींस कि 1 बज के, जो आपका 1 o'clock हो रहा है, 1 बज के 30 मिनट्स और पास्ट हो चुके हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे? हाफ पास्ट 1. सो ऐसे ही अगर, जैसे अगर हमारी, मान लीजिए शॉर्ट हैंड है हमारी 3 पे, शॉर्ट हैंड आ गई 3 पे. क्लियर है? आपको समझ में आ रहा है कि शॉर्ट हैंड अगर हमारी 3 पे है और हमारी लॉन्ग हैंड हमारी 6 पे है, तो हम इसको क्या बोलेंगे? हाफ पास्ट 3. ये हमें ध्यान करना है कि जब भी ये 12 नंबर से 6 नंबर तक का एरिया कवर करती है, 12 से यहाँ पे हमारी लॉन्ग हैंड यहाँ पे होती है, यहाँ से आती है, आते आते 6 तक का हमारा एरिया कवर करती है, उसको हम कहते हैं हाफ पास्ट. जैसे क्या कहते हैं? हाफ पास्ट, यानी कि हमारा हाफ एरिया कवर हो चुका, हमारा एक उसका जो आधा राउंड है, चक्कर कहते हैं ना, पूरा चक्कर काटती है, जब हमारी पूरा वो करती है तो 1 आवर होता है, तो इसमें अब उसने हाफ एरिया, हाफ आवर
पास्ट कर दिया, तो हम इसको क्या बोलेंगे, हाफ पास्ट, जो भी टाइम होगा, हाफ पास्ट थ्री, हाफ पास्ट वन, क्लियर है। नेक्स्ट, अब क्या होता है, अब नेक्स्ट है कि सिक्स से लेकर, अब यहां तक तो आ गया हमारा हाफ पास्ट, अब हम इसको आगे क्या करेंगे, अब हमारा सिक्स से लेके ये जो नाइन तक का एरिया आता है, ठीक है ना, जब नाइन तक का एरिया आ गया, इसको कवर कर लिया इसने, अब इनको तो हम अपने टेबल्स के अकॉर्डिंग काउंट करते हैं कि यहाँ पे 30 मिनट्स हुए तो यहाँ पर होगा 35 मिनट्स, या 40 मिनट्स, यहाँ 45 मिनट्स, या 50 मिनट्स, या 55 मिनट्स, और यहाँ 60 मिनट्स, क्लियर। ये हम टेबल्स के अकॉर्डिंग तो 5-5 मिनट्स का इंटरवल तो हमारा वैसे ही रहता है, लेकिन जब हमारा ये वाला टाइम रह जाता है जो हमारा 9 से लेके 12 तक का टाइम होता है, इसको हम कहते हैं क्वार्टर टू। क्वार्टर टू का मीन्स क्या होता है कि अब हमारे पास क्वार्टर रह गया उस टाइम को बजने में, मीन्स कि जैसे हमारे पास सपोज वी हैव शॉर्ट हैंडिंग, अब ये होगा कि जब हमारे बजने में, ये ध्यान रखना कि क्वार्टर टू 15 मिनट बजने में, यानी 15 मिनट रह गए हैं कोई भी टाइम होने में, तो पूरा पूरी जो हमारी शॉर्ट हैंड है वो उस पर होगी नहीं। टू पे अगर दो बजने वाले हैं, टू ओ क्लॉक होने वाले हैं, तो हमारी शॉर्ट हैंड जो है वो थोड़ी सी टू से पहले होगी, टू पे पूरी नहीं आएगी। फिर उसके बाद जो हमारी लॉन्ग हैंड होगी वो किस पे होगी, वो हमारी नाइन पे होगी। जब हमारा क्वार्टर टू का टाइम आता है तो हमारी लॉन्ग हैंड किस पे आती है, नाइन पे होती है। तो अब यहाँ पे टाइम क्या हो रहा है, अगर हम वैसे बोले तो 1:45 हो रहा है, 1:45 है ना, 1:45 है, लेकिन अब हम इसको इजी वे में कैसे बोलेंगे, क्वार्टर टू टू। क्वार्टर टू टू मीन्स कि जैसे दो बजने वाले हैं, क्वार्टर टू टू मतलब ये 15 मिनट रह गए हैं हमारे दो बजने में, तो क्वार्टर टू का मतलब क्या होता है, क्वार्टर टू हम क्या लिखेंगे इसको, क्वार्टर टू टू कि हमारे दो बजने वाले हैं 15 मिनट रह गए हैं। क्वार्टर का मतलब होता है 15 मिनट्स, हम यहाँ पे क्वार्टर पास्ट कहते हैं कि ये आगे बढ़ गया, और क्वार्टर टू मतलब इतना टाइम रह गया, तो क्वार्टर टू का मतलब कि दो बजने में हमारा 15 मिनट रह गए हैं, क्वार्टर मतलब होता है 15 मिनट्स, क्लियर, यानी कि फोर्थ पार्ट। क्वार्टर क्या होता है, फोर्थ पार्ट, तो ये हमारा फोर्थ पार्ट है, हमारे 15 मिनट है, 15-15 मिनट के हमारे फोर होते हैं इसमें, कि 15 मिनट्स, 15 मिनट्स, 15 मिनट्स, 15 मिनट्स, तो क्वार्टर टू का मतलब होता है कि क्वार्टर टू यानी कि 15 मिनट हमारे रह गए हैं जो भी टाइम होने वाला है, जैसे दो बजने वाले हैं, तीन बजने वाले हैं, तो क्वार्टर टू होता है इसका मीन्स, क्लियर। सो स्टूडेंट्स, फर्स्टली आपको पता होना चाहिए हमारा 5-5 का इंटरवल होता है, 5 यहाँ पर 10, 5 2 10, 5 3 15, 5 4 20, 5 5 25, एंड 5 6 30, 35 40, 45 50, 55 60, ये हमारे 5-5 के इंटरवल्स होते हैं, 5-5 मिनट का हमारा डिफरेंस होता है। तो अब इसमें मैं आपको फिर से एक बार रिवाइज करवा रही हूँ, कि हम इसको फिर से बता रही हूँ कि अगर इफ लॉन्ग हैंड ऑन थ्री, हमारी जो लॉन्ग हैंड है वो थ्री पर होगी और शॉर्ट हैंड वन पे होगी, तो इसका क्या मतलब होगा, इट मीन्स कि इसने जो हमारी लॉन्ग हैंड ने 15 मिनट्स कवर कर लिए, क्वार्टर टाइम कवर कर लिया, तो हम इसको क्या कहते हैं, क्वार्टर पास्ट। टाइम जो भी होगा, चाहे अभी इसमें वन है, क्वार्टर पास्ट वन, हम क्या बोलेंगे इसको, क्वार्टर पास्ट वन। अब यही क्वार्टर पास से, अब ये लॉन्ग हैंड यहां से मूव करके सिक्स पे आ गई, ये लॉन्ग हैंड किस पे आ गई, हमारी सिक्स पे, तो अब इसने कितना टाइम कवर कर लिया, हमारा हाफ टाइम कवर कर लिया। आपने ये पहले भी किया हुआ है सेकंड में, सो प्लीज अच्छे से समझिए कि अब इसने क्या किया, पहले हमारा 15 मिनट्स कवर करा था, तो इसको क्या कहते हैं हम, क्वार्टर पास। अब इसने 30 मिनट्स कवर कर लिए, इसको क्या कहेंगे हम, 30 मिनट्स को, हाफ पास्ट वन, हाफ पास्ट
वन, हाफ पास्ट वन, क्लियर है, हाफ पास्ट वन। देन अब इसने यहां से 15 मिनट्स और कवर कर लिए, 15 मिनट्स और कवर किए। अब ये वन पे तो रहेगी नहीं क्योंकि ये चेंज हो जाता है, पर टू पे और वन के सेंटर में आ जाएगी थोड़ी सी। अब क्या टाइम हो गया, अब इसने 15 मिनट्स और कवर कर लिए, तो हम क्या बोलेंगे, या तो हम बोलेंगे इसको 145, क्लियर है, हम बोलेंगे 145, या अब हम इसको क्या बोलेंगे कि हमारे 15 मिनट्स रह गए हैं ना अभी, तो हम इसको क्या बोलेंगे, क्वार्टर टू टू, यानी कि 2:15 रह गए हैं, क्वार्टर टू। अभी समझ में आ गया कि जब हम यहां से पास्ट करते हैं तो क्वार्टर पास्ट यानी कि 15 मिनट हमारे पास्ट हो गए, फिर ऐसे हाफ मिनट पास्ट हो गए, हाफ सारे 30 मिनट्स तक, देन हमारे यहां पर आता है तो हम इसको 145 भी कह सकते हैं, नहीं तो हम इसको क्या कह सकते हैं, क्वार्टर टू टू, क्लियर। सो स्टूडेंट्स ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट में क्या है, देखो अब हमारे यहां पर वन ऑफ शॉर्ट एंड हमारी किस पे है, वन पे, पर अब यहां पर हुआ है वन और हमारी लॉन्ग एंड है टू पे, लॉन्ग एंड किस पे है, टू पे, तो हम इसको क्या कहेंगे, वन ओ क्लॉक तो हो ही रहा है लेकिन टू पे है, तो हमारी ये मिनट वाली हैंड टू पर आई है, इसको और इसको क्रॉस कराए, ये टू क्रॉस हो गई, यहां पे टेन पे आ गया, तो हम क्या लिखेंगे इसको, 1:10, हमारा टाइमिंग क्या होगा, 1:10, या फिर क्या लिखेंगे, 10 मिनट पास्ट 1, जितने जितने मिनट वो पास्ट करते जाएगी, जाते जाएगी आगे, तो हम उसके मिनट, जैसे अब यहां पर आता तो हम क्या लिखते, 20 मिनट पास्ट, हम लिख देते 20 मिनट पास्ट 1, या फिर हम क्या लिखते 1:20, क्लियर है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि जो जो टाइम पे ये जाती जाएगी, अब ये मान लीजिए यहां आ गया, यहां पर आ गई लॉन्ग हैंड, तो हम इसको क्या लिखेंगे, 140 या 40 मिनट पास्ट 1, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 20 मिनट्स टू, यानी कि 20 मिनट्स टू 2, 2:20 रह गए हैं, तो हम इसको कुछ भी ऐसे भी लिख सकते हैं, आप नंबर्स में भी लिख सकते हैं, अगर आपसे बोले वर्डिंग में लिखो तो आप 40 मिनट पास्ट 1 भी लिख सकते हैं, और ये भी लिख सकते हैं कि 20 मिनट्स टू 2, कि 20 मिनट रह गए हैं 2:00 या 1:40 हो चुके हैं, क्लियर। तो आप इसको इस तरह, जो भी हमारा टाइम रह जाता है, हम इसको क्वार्टर टू, जैसे टू है जो रह जाता है कि इतना टाइम रह गया 2:00, तो उसको हम टू करके लिखते हैं, अगर हम पास्ट करके लिखते हैं तो 40 मिनट, यहाँ पे 40 मिनट पास्ट हो चुके, तो 40 मिनट पास्ट 1। इस कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से बार बार रिवाइज कीजिएगा, कि मुझे पता है थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है टाइमिंग के लिए, तो आप इसको अच्छे से बार बार रिवाइज करना बेटा, तभी आपको आएगा, आप जब करोगे तो ही आपको आएगा, इसकी प्रैक्टिस करनी है आपको, कि आपको ये ध्यान रखना है कि क्वार्टर पास्ट कहाँ होता है, हाफ पास्ट कहाँ होता है, क्वार्टर टू कहाँ होता है, और जब अगर टाइम ऐसे पास होता है बीच में 5-5 के इंटरवल से, तो उसको हम क्या लिखते हैं, कि 20 मिनट पास 30 मिनट पास 40 मिनट पास, तो वो आपने अच्छे से ध्यान रखना है। चलिए अब हम एक्सरसाइज करते हैं। सो नाउ स्टूडेंट्स ओपन योर मैथ्स बुक, पेज नंबर 149, ओपन योर मैथ्स बुक पेज नंबर 149, एक्सरसाइज 9.1, राइट द डेट, our first question is write the time shown on each of the following clocks in two ways,
Exercise 9.1. Our first question is write the time shown on each of the following clocks in two ways. अब हमें क्या लिखना है कि हमें इसमें जो क्लॉक में टाइम दिया हुआ है इसको दो तरह से लिखना है. टू वेज मतलब दो तरह से, जैसे एक बार नंबर्स में और दूसरी बार वर्ड्स में. क्लियर? तो नंबर्स में ये क्या टाइम हुआ है हमारा, देखो क्या ये 5 और 6 के बीच में, यानी कि 5 होगा, 5 और 8 पर है तो 8 क्या होती है, 5 के टेबल से करेंगे 5 8 40, तो हमारा टाइमिंग क्या हुआ 5:40. अब इसको हम इसको वर्ड्स में कैसे लिखेंगे, वर्ड्स में हम इसको लिखेंगे 40 मिनट्स पास्ट, 40 मिनट्स पास्ट 5 कि 5 बज के, यानी कि 5 o'clock हो गए हैं, उसके 40 मिनट्स पास्ट हो चुके हैं, मतलब 40 मिनट्स आगे आ चुके हैं, तो हम इसको लिखेंगे 40 मिनट्स पास्ट 5:40. क्लियर? नेक्स्ट इज, अब ये देखो 9 है पर अभी 9 o'clock हुआ नहीं है, तो ये क्या होएगा हमारा 8:50. क्या टाइमिंग है हमारी ये 8:50. अब 8:50 को हम कैसे लिखेंगे, अब 8:50 है, जैसे ये 5:40 था, हमने क्या लिखा 40 मिनट पास्ट 5, इसका भी इजी है, इसका क्या लिखेंगे हम 50 मिनट्स पास्ट, 50 मिनट पास्ट 8, 8 जो है हमारा 8 o'clock के बाद 50 मिनट्स पास्ट हो चुके हैं, मतलब 8 जो बजे थे हमारे उसके बाद 50 मिनट्स और पास्ट हो गए हैं, तो हम क्या लिखेंगे 50 मिनट्स पास्ट 8. क्लियर है आपको? लेकिन बेटा जब आप खुद से करोगे ना आपको ज़्यादा जब ही आएगा, आप इसकी प्रैक्टिस करते रहो साथ साथ, जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको अच्छे से आएगा. क्लियर? चलो अब सेकंड क्वेश्चन, आपको पता ही है रेस्ट ऑफ पार्ट आपको खुद ही करने हैं आप, ठीक है, रेस्ट ऑफ पार्ट डू योर सेल्फ. सेकेंड इज ड्रॉ द आर एन मिनट हैंड्स ऑफ द क्लॉक टू शो द गिवन टाइम. मतलब क्या बोला है उसने, ड्रॉ द आर एंड मिनट हैंड, हमें क्या करनी है, ड्रॉ करनी है हैंड को जो हमें टाइम दिया हुआ है, हमें क्या करना है, ड्रॉ करना है हैंड्स को जो हमें टाइम दिया हुआ है. तो अब यहाँ पे टाइम देखो क्या दिया हुआ है, 10 मिनट्स टू 7, 10 मिनट्स टू 7 मीन्स 10 मिनट्स रह गए हैं 7 o'clock होने में, तो हम क्या करेंगे, हमारी जो शॉर्ट हैंड है वो कहाँ पे होगी, बिल्कुल 7 के पास, शॉर्ट हैंड हमारी बिल्कुल 7 के पास होगी और 10 मिनट्स रह गए हैं, तो हम यहाँ पर हमारी लॉन्ग हैंड होगी. बस सिंपल, हमें इसको ऐसे करना है क्योंकि हमारे 7 में होने में, 7 o'clock होने में 10 मिनट्स रह गए हैं बस, और जैसे ही 7 o'clock होंगे तो पूरी 7 पे अच्छे से शॉर्ट हैंड हमारी आ जाएगी. क्लियर? नेक्स्ट देखो 20 मिनट्स टू 8, फिर वैसे ही है कि 8 o'clock होने में 20 मिनट्स रह गए हैं, तो हमारी क्या होगी, बिल्कुल 8 के पास, शॉर्ट हैंड हमारी कहाँ होगी, बिल्कुल 8 के पास, लेकिन क्या बोला 20 मिनट्स, यानी कि हमारी लॉन्ग हैंड भी किस पे होगी, 8 पे ही होगी, क्योंकि इसका मीन्स क्या है 7:40 है, तो हम इसको 8 के पास हमारी बिल्कुल शॉर्ट हैंड होगी और जो लॉन्ग हैंड है वो हमारी 8 पर ही होगी. क्लियर है? शॉर्ट हैंड हमारी 8 से थोड़ी सी पहले शॉर्ट हैंड होगी और लॉन्ग हैंड हमारी फुल 8 पे होगी. इसका क्या मतलब है, 8:20 to 8, यानी कि 8 बजने में 20 मिनट्स 20 मिनट रह गए हैं, तो हमें क्या करना है 7:40, क्या टाइम शो करना था 7:40, अब हम 7:40 शो करेंगे तो 7 पे हम पूरी शॉर्ट हैंड नहीं कर सकते, तो हम 8 के पास शॉर्ट हैंड करेंगे और लॉन्ग हैंड हमारी 8 पर होगी. क्लियर? थोड़ा सा आप अच्छे से ड्रॉ कर लीजिएगा, आपकी ड्राइंग बहुत अच्छी है मुझे पता है, तो आप अच्छे से ड्रॉ करिएगा. और ये आपको आज आपको सिर्फ 9.1 एक्सरसाइज करनी है, अच्छे से 9.1 एक्सरसाइज कीजिएगा और समझ के करनी है, और प्लीज़
ट्राई कीजिएगा कि आप अपने आप करो, अपने आप करने की कोशिश करनी है आपको। और प्लीज डू योर वर्क नीटली। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।